मिस्टर साहब साहब ये बताइए कि आपकी फैमिली में सबसे पहले तो आपने लिखना शुरू किया, उसके बाद बानुआपा ने लिखना शुरू किया, फिर अब आपके बेटे जो हैं अनीक अहमद वो ड्रामे लिख रहे हैं, तो इससे आपके ऊपर कुछ बोझ ज्यादा नहीं पड़ गया? नहीं, मुझ पर तो नहीं पड़ा, ये तो ये लिखती है और वो लिखता है, तो मेरा वो तो मैं अपना उठाता हूँ, मैं उनके तो नहीं उठाता वो। अच्छा हाँ, अच्छा, ओहो, मुझे बहुत बहुत पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, यानी मैं तो पिस गया। हाँ, मैं नहीं समझा, मैं तो पिस गया इस बोझ से, अब मेरी शक्ल नहीं देख रही है, देख रही, पहले मैं इतना मोटा हूँ, अब कैफियत और कमजोर नजर आ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं आजकल कि भाई वो एक अशफाक अहमद हुआ करते थे जिन्होंने एक मोहब्बत के 100-100 अफसाने बना दिए थे, जी जी, तो उनको आजकल हम तलाश करते फिर रहे, नहीं मिल रहे, तो आपको मालूम है वो कहाँ गए? असल में बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस अशफाक अहमद को तलाश कर रहे हैं जो चौथी जमात में फटी लिखा करता था तख्ती, तो अब मुझे उसका भी पता नहीं कि वो कहाँ है। तो ये तो एक डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, इसलिए वो तो नहीं मिलेगा, उससे अगला इशफाक अहमदी मिलेगा। अब वो अच्छा है या बुरा है ये फैसला तो फिर लोगों को ही करना है। अब थोड़ी देर के बाद तलाश करेंगे, मैं 65 वर्ष का हो जाऊंगा, फिर वो कहेंगे काले बालों वाला कहाँ गया, तो वो तो नहीं मिलेगा ना, वो तो एक चीज गुजर जाती है। तो मेरा ख्याल लोग कर ही चुके हैं अभी इत्तेफाक से, कुछ अरसा पहले मैं इस्लामाबाद में जब थी तो एक महफिल में हुई, तबसरा हो रहा था, तो टीवी पे आपको पता है वैसे ही तबसरे बहुत होते हैं, तो किसी ने एक खातून फरमा रही थी कि अशफाक अहमद तो बिल्कुल एक टीवी के एंटीने की तरह हैं, कि अगर वो सही ना लगा हो या ना लगा हो तो तस्वीर धुंधली नजर आती है। तो ये तो मेरा ख्याल बहुत बड़ा ऑनर है अगर आपको ये कहा जाए कि आप टेलीविजन के ड्रामे। हाँ, मेहरबानी है उनकी, लेकिन मैं तो कुछ यूं डरा सा रहता हूँ कि जितने भी मेरे मिलने वाले या दोस्त या हैं वो दूर से चले आते हैं जब जिस दिन मेरा प्ले हो, और यूं उन्हें उंगली की होती है और जैसे चले आते हैं तो मैं कहती हूँ कहेंगे जी सिर तो लंग गया, ये एक बड़ा मुहावरा चलता है, ये खास मोहब्बत की बात वो करते हैं अक्सर, तो मैंने कहा शायद वो एंटेना की कुछ उंगली चला रही हूँ, वैसे मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आपके थ्रू और भी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा बानो आपा, हमारे टेलीविजन की आज 20वीं सालगिरह है और माशाल्लाह आपकी शादी को भी 20 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, तो आप ये बताइए कि इस 20 साल के अरसे में टेलीविजन ज्यादा बदला है या अशफाक साहब? दोनों ही बदल गए जी। लेकिन बहुत ज्यादा तब्दीली आई है या गालिबन तब्दीली तो हम में ज्यादा आई होगी टेलीविजन की नस्बत, यहाँ वही मौसीकी हो रही है, वही खेल भी हो रहे हैं, इसका पैटर्न तो वही है, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन हम गालिबन दोनों बहुत ज्यादा बदल गए। अच्छा ये आप बताइए कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बानो आपा पहले बहुत छोटी छोटी खूबसूरत आसान कहानियां टेलीविजन के लिए लिखा करती थी, लेकिन अब उन कहानियों में तसव्वुफ और कब्रिस्तान ने जगह ले ली है, तो ये तब्दीली कैसे? देखिए अब मैं तसव्वुफ के भी करीब हूँ और कब्रिस्तान के भी करीब हूँ, अब मुझे उसी के